बिटकॉइन के हालविंग में अब मात्र यहां पर 12 घंटे का समय बचा है, 12 घंटे और 39 मिनट में। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर बाइनेंस ने एक नया रिकॉर्ड यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड सेटअप कर दिया है। शिबा इनू में कितने टोकन की यहां पर बर्निंग हुई है कंप्लीट बात करने वाले हैं वीडियो में, शुरू से लेकर एंड तक आप बने रहिएगा, काफी अच्छी जानकारी यहां पर आपको शॉर्ट में मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप यहां पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी फिलहाल के समय पर दोस्तों बिटकॉइन ने यहां पर काफी मेजर डिप दिया है, सभी को पता है 59,000 को बिटकॉइन यहां पर टच करके अभी फिलहाल चल रहा है लगभग 64,000 के आसपास। और हो सकता है कि यहां पर सभी लोग ये कह ही रहे हैं कि भाई यहां पर ये जो डाउनफॉल यहां पर मार्केट में आपने देखा है कि वो शायद इस बुल मार्केट का अब तक का यहां पर बिटकॉइन हालविंग से पहले का लास्ट ही है, सभी मुस्लिस के बारे में जानते भी हैं। और यहां पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि किस तरह से और क्या क्या चीजें यहां पर मार्केट में चल रही हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर बाइनेंस को लेकर के, बाइनेंस के बारे में इंडिया में बहुत गुड न्यूज आ चुकी है कि यहां पर जो बाइनेंस है वो दोबारा से इंडिया में वापस आ रहा है। वापस आने का मतलब आप सभी को पता ही है कि भाई बाइनेंस अब लीगल तौर पर यहां पर काम करेगा, जो टैक्स यहां पर प्रॉपर बनता है वो यहां पर आपको गवर्नमेंट को देना होगा और काफी सावधानी अब यहां पर आपको बरतनी होगी अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज को यूज करेंगे। जितना भी टैक्स 1% टीडीएस यहां पर कंप्लीटली बनता है वो आपको जाकर के फिल करना होगा, देना होगा गवर्नमेंट को। तो ये सावधानी आज के समय पर यहां पर आपको स्टार्ट कर देनी है। जितने भी ओल्ड यूजर हैं उनके मोबाइल में ऑलरेडी यहां पर बाइनेंस एक्सचेंज की जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली वर्क कर रही होगी, लेकिन जो नए यूजर हैं अब उन्हें भी यहां पर जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर और iOS पर भी वहां पर उन्हें देखने को मिल जाएगी, जिसके बारे में ऑलरेडी यहां पर कंटिन्यू हमारे चैनल पर वीडियो आती रहेगी। अब दोस्तों हम यहां पर बात कर लेते हैं कि भाई बाइनेंस ने यहां पर क्या रिकॉर्ड यहां पर सेटअप किया है। सबसे पहले दोस्तों 2024 में अब तक यहां पर बाइनेंस ने दोस्तों 6.3 मिलियन डाउनलोड यहां पर कर लिए हैं और ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो 2024 स्टार्ट ही हुआ है, यानी कि पिछले 3 महीने के अंदर 6.3 मिलियन एप्लीकेशन ऑलरेडी यहां पर नए नए यूजर मार्केट में आए हैं। अब जब लोग यहां पर मार्केट में आते हैं वो नए यूजर होते हैं, यानी कि नया पैसा, नया फंड यहां पर मार्केट में आ रहा है। कोई हो सकता है कि 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर कर रहा हो, कोई हो सकता है कि 10,000 का, कोई 1 लाख का। तो नए नए यूजर मार्केट जब तक आएंगे नहीं तो यहां पर मार्केट के लिए वो नेगेटिव बात होती है। लेकिन यहां पर बाइनेंस जैसा एक्सचेंज ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबली यहां पर काम करता है उसमें इतना ज्यादा रैपिडली ग्रोथ यहां पर देखा गया है कि लगभग 6.3 मिलियन, यानी कि लगभग यहां पर बात करें तो 63 लाख के आसपास जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी यहां पर डाउनलोड हो चुकी हैं। और नया पैसा मार्केट में जब आएगा तो आपको पता है कि यहां पर जो चीजें हैं और भी ज्यादा निखर करके आने वाली हैं। नेक्स्ट अपडेट के बारे में दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि वो भी बाइनेंस को लेकर ही, कि बाइनेंस ने यहां पर दुबई में अपना जो VASP लाइसेंस है उसे यहां पर हासिल कर लिया है। अब बाइनेंस और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है यहां पर, क्योंकि बाइनेंस का दुबई में ये लाइसेंस मिलना आसान नहीं होता किसी भी एक्सचेंज को लेकर के। और बाइनेंस जैसा एक्सचेंज, वर्ल्ड लीडिंग एक्सचेंज यहां पर इस लाइसेंस को ऑलरेडी लेकर के अब बैठ चुका है। तो ये गुड न्यूज है बाइनेंस को लेकर के भी और जितने भी यहां पर बाइनेंस के यूजर हैं, जितने भी बाइनेंस के चाहने वाले हैं सभी को लेकर के भी। नेक्स्ट दोस्तों अपडेट है उसके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। दोस्तों बिटकॉइन के बारे में सभी को पता है कि भाई बिटकॉइन की हालविंग हो रही है, हालविंग के बाद में रेट हो सकता है कि तुरंत यहां पर ऊपर बढ़ता हुआ आपको ना दिखाई दे, लेकिन यहां पर 1 महीना या 1.5 महीने अगर बिटकॉइन यहां पर थोड़ा डाउन भी रहता है तो एट द एंड यहां पर बिटकॉइन के जो चांसेस है अप जाने के बहुत ज्यादा हाई हैं। अब यहां पर बिटकॉइन को लेकर के और एक्सचेंज को लेकर के क्या खींचतान चल रही है उसके बारे में बात कर लें तो दोस्तों बिटकॉइन एक्सचेंजेस से गायब हो रहे हैं, यानी कि एक्सचेंजेस से बिटकॉइन विड्रॉल किए जा रहे हैं और जो विड्रॉल करके उन्हें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर, यानी कि वॉलेट्स हैं उनके अंदर वो ले जाया जा रहा है। विड्रॉल होने की जो गति है यहां पर एक्सचेंजेस को लेकर के, यानी कि अगर मैंने यहां पर एक्सचेंज पर अपना बिटकॉइन रखा हुआ था तो यहां पर अब मैंने सोचा है कि भाई अब मुझे एक्सचेंज पर नहीं रखना, मुझे एक्सचेंज पर या तो विश्वास नहीं है या फिर एक्सचेंज को लेकर के क्या खींचतान है, उनकी आपस में क्या वो है, तो उसे लेकर के मैंने सोचा कि यहां पर मुझे अपना जो बिटकॉइन है वो वहां से विड्रॉल कर लेना चाहिए और वो विड्रॉल करने के बाद में जो नए नए यूजर है उन्हें लेकर के जा रहे हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज वॉलेट की तरफ, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो गए या फिर हार्डवेयर वॉलेट्स हो गए, उनकी तरफ लोग वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि यहां पर पहले भी बहुत बार हो चुका है, पिछली मार्केट में भी हुआ था और अब से पहले भी कई बार हो चुका है, जो बड़े बड़े लीडिंग एक्सचेंज थे अपने जमाने के वो सभी यहां पर हैक हो चुके हैं। सिक्योरिटी की कंसर्न को लेकर के बात करें, हालांकि बाइनेंस का ये कहना है कि जितने भी लोगों का फंड उनके एक्सचेंज पर होता है उतनी ही वैल्यू का दोस्तों रिजर्व वो अपने पास में रखते हैं, तो ये एज ए सिक्योरिटी वहां पर काम करते हैं कि भाई जितना मान लीजिए अगर मैंने 1 रुपया वहां पर रखा हुआ है तो 1 रुपये के बराबर का जो रिजर्व है वो बाइनेंस ने ऑलरेडी रखा हुआ है, मेरे फंड को वहां पर कोई भी नुकसान नहीं होगा, इस तरह से एक्सचेंजेस का फिलहाल के समय पर कहना है। लेकिन अब से पहले एक्सचेंजेस का हैक हो जाना, तमाम केसेस चलना, आप सभी को पता है क्रिप्टोपिया और तमाम
और भी 2014 से लेकर के और 2024 तक पिछले 10 सालों में तमाम एक्सचेंजेस यहाँ पर हैक हो चुके हैं भाई। यहाँ पर जो विड्रॉल्स है वो हो सकता है कि इसी कारण फिलहाल के समय पर देखने को मिल रही हो। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों यहाँ पर शिबा इनू को लेकर के। शिबा इनू यहाँ पर सभी का फेवरेट है मीम कॉइन के कैटेगरी में, लेकिन शिबा इनू ने दोस्तों यहाँ पर मैसिव बर्निंग, लगभग 657 मिलियन टोकन दोस्तों यहाँ पर बर्न कर दिए गए हैं। इतने टोकन का बर्न होना वो इंडिकेशन देता है कि अभी फिलहाल के समय पर जो रैली आपने यहाँ पर शिबा इनू में देखी थी और आने वाले समय में और भी ज्यादा मैसिव यहां पर रैली आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब यहां पर इस तरह की बर्निंग होती है तो प्राइस में जो जंप है वो ऑलरेडी देखने को जरूर मिलता है। फिलहाल बिटकॉइन की हालविंग में अभी फिलहाल 12 घंटे का ही समय बचा है, और हालविंग के बाद में बीटीसी किस तरह से यहां पर रिएक्ट करता है, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड दोस्तों बिटकॉइन के ऊपर चलता है। अगर बिटकॉइन थोड़ा सा शूट अप हुआ तो सभी जितने भी ऑल्ट कॉइन अभी फिलहाल के समय पर आपको डिप में दिख रहे हैं, 30-40% डाउन में दिख रहे हैं, वहां पर 1-2 दिन के अंदर ही अगर बिटकॉइन थोड़ा थोड़ा स्लोली यहां पर ग्रो हुआ, अगर एक साथ तेज बिटकॉइन ऊपर चला गया तो तब भी मार्केट में डंप देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट में जो पैसा है वो ऑल्टकॉइन से निकल करके यानी बिटकॉइन में जा रहा है। तो ये बात आपको क्लियर समझनी होगी। अगर बिटकॉइन एक साथ तेज रैली दिखा देगा तब भी मार्केट यहां पर डाउन जाएगा, अगर बिटकॉइन थोड़ा धीरे धीरे यहां पर चलेगा तो उतना यहां पर इफेक्ट फिर क्रिप्टो मार्केट के ऊपर नहीं होता है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो लास्ट यहां पर डंप हमें देखने को मिला है, जल्दी ही रिकवरी यहां पर हमें देखने को मिले। इसी तरह की इंपॉर्टेंट जो न्यूज और अपडेट्स होती है हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।